हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमआरके क्लासेस। टुडे आई विल डिस्कस एनालॉजी। इन प्रीवियस वीडियोस आई हैव डिस्कस एनालॉजी ऑफ वर्ड्स। नो, इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस एनालॉजी ऑफ लैडर। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, एनालॉजी क्या होती है। ये क्या होता है कि एक रिलेशनशिप होती है, ठीक है। मतलब अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। अब एनालॉजी की मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, रिजेम्बलेंस फाइंड आउट। तो रिजेम्बलेंस मतलब प्रॉपर्टीज़ और सिमिलरिटीज़, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं हमें वो फाइंड आउट करनी होती हैं। अब इसमें किसी ऑब्जेक्ट की भी फाइंड कर सकते हैं, डिजिट की भी कर सकते हैं और किसी एक्टिविटी की भी, ठीक है। अब मतलब तीन चीज़ें आ गई यहाँ पे, ऑब्जेक्ट या वर्ड्स एंड डिजिट, और लेटर की भी कर सकते हैं। अब जो ये प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट करनी है, किस पे करनी है, टाइप पे, सेकंड इज़ शेप एंड थर्ड इज़ ट्रेड। ट्रेड क्या है उसकी। अब ओवरऑल देखा जाए तो टाइप, जो टाइप्स होती हैं एनालॉजी की, चार टाइप्स होती हैं। एक होती है वर्ड एनालॉजी, जो मैंने पहले से डिस्कस कर दी है आपके साथ लेक्चर वन में। अगर किसी ने नहीं देखी तो मैं लेक्चर वन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके देख लें। उसके बाद सेकंड है लेटर एनालॉजी, थर्ड है नंबर एनालॉजी एंड लास्ट वन इज़ मिक्स्ड एनालॉजी, ठीक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैटर एनालॉजी। सो लैटर एनालॉजी क्या होती है। लैटर एनालॉजी में क्या करना है, आपको लेटर्स की रिलेशन निकालनी है। मतलब हमें कोई भी अगर कैंडिडेट है, जैसे कोई भी पेपर दे रहा है, तो उसके आगे सामने क्वेश्चन रख दिया जाए। तो अगर एनालॉजी का क्वेश्चन होगा तो उसको क्या करना है, अगर लेटर में क्वेश्चन है तो रिलेशनशिप निकालनी है लेटर्स और ग्रुप ऑफ लेटर्स के बीच में। अब जो एनालॉजी है लेटर्स की, उसकी आगे बहुत सारी टाइप्स हैं, मतलब उसके केस बनते हैं। सबसे पहला केस जो है, केस वन जो है, फॉरवर्ड अल्फाबेटिकल सीक्वेंस। आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, साथ साथ में नोट्स भी बनाएं। जैसे मान लो लेटर एनालॉजी है तो आज का लेक्चर है, तो उसमें जितने भी केस मैंने बनाए वो लिख लें। इससे ये रहेगा कि आपको याद रहेगा, कंसेप्ट रहेगा कि कौन सा चीज़ कहाँ यूज़ होती है। भले ही आप प्रैक्टिस कम करें इसकी, अभी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे बाद में, लेकिन ये लिखना ज़रूरी है, केसेस लिखने ज़रूरी हैं, बेसिक जो थ्योरी होती है वो समझना ज़रूरी होता है। तो फॉरवर्ड अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में आपको क्या करना है, ठीक है। जैसे आपको मान लो दो अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, सी डी, सी डी की रिलेशन है एफ जी के साथ, और देखो उसके बाद दी हुई है सेकंड दिया हुआ पी क्यू की रिलेशन है यू वी के साथ। तो ये जो ऑर्डर होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस। कैसे, जैसे ए के बाद क्या आता है बी, सेम ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पे एफ के बाद आता क्या है जी, यू के बाद क्या है वी, ये साथ में हूँ, ऐसा ऐसी सिचुएशन हो तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड अल्फाबेटिकल सीक्वेंस। अब ये है कि आपको जैसे यहाँ पे तो दिया हुआ आपको सी डी एफ क्यू एफ जी, उसके बाद पी क्यू, तो यहाँ पे जो यू वी है ना, ये वाली जगह आपको मिसिंग होगी, तो आपको ये फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करोगे, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे हमारे पास 26 जो हमारे लेटर्स हैं वो आने चाहिए आपको, ठीक है। जैसे ये हैं लेटर्स तो आएंगे, मतलब उनकी पोजीशन आनी चाहिए, तो पोजीशन याद रखनी है आपको ये वाली। जैसे मान लो ए की पोजीशन क्या है, न्यूमेरिकल वन, बी की क्या है टू, सी की क्या है थ्री, डी की क्या है फोर, ओके। अब आपको ये निकालनी कैसे है रिलेशन, यहाँ से ये देखना है आपको, ये याद रखनी है,
ठीक है, आप एक बार ए बी सी लिख लें साइड में और उसके साथ 1 2 भी लिख लें 26 तक। ठीक है, अब फॉरवर्ड पास में देखो, अगर मान लो यहाँ पे यू वी नहीं होता तो आपको फाइंड आउट करना था कि यहाँ पे क्या आएगा। अब इससे पहले आपने फर्स्ट मान ली जो कंप्लीट है रिलेशन, ये देखनी है। देखो सी और डी है, डी के बाद क्या आ गया, ई नहीं आया एफ आ गया, मतलब एक का गैप छोड़ा गया है। ठीक है, ऐसे ही पी है तो क्या हुआ है, उसके बाद देखो आर एस टी यू। ठीक है, अब आपने ये चीज़ देखनी है कि वो लेटर किस पोजीशन पे है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में क्या आएगी। ओके, तो इसी के बेस पे आपने क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। अब देखो कैसे फाइंड करोगे, ये देखो यहाँ पे सी है, फर्स्ट लेटर क्या है सी, सी कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। उसके बाद एफ, जो एफ है हमारा कितने नंबर पे, 6 नंबर पे। तो देखो 3 के बाद कितना डिफरेंस के बाद है, 3 के बाद 4 5 6 और 7, 7 पे आके जाके एफ आया। मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, पी के बाद जो 7वें नंबर पे आएगा वो आएगा यहाँ पे यू। जैसे देखो क्यू आर एस टी, ठीक है, सॉरी पी क्यू आर एस टी और यू। तो देखो यहाँ पे ये डिफरेंस आपको क्लियरली होना चाहिए। ओके, उसके बाद अब मैं एग्जांपल में डिस्कस करूँगा, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अब केस नंबर 2 क्या है, बैकवर्ड और अपोजिट अल्फाबेटिकल सीक्वेंस। मतलब यहां पे क्या है डी सी, जो केस 1 है इसका ये अपोजिट है। मतलब अगर वहां पे सी डी था तो यहां पे क्या है डी सी है, मतलब पहले जो लेटर था उसके बाद जो आएगा उसके पहले वाला आ जाएगा। मान लो यहां पे डी सी है, ये क्या आएगा जी एफ, यहां पे क्यू पी है तो यहाँ पे यू वी की जगह वी यू है। ठीक है, ये चीज़ देखनी है, जो पहला है वो बाद में आएगा, जो बाद में है वो पहले आएगा। मतलब कैसे, एम एन होता है हमारे पास, ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा एन एम आएगा, पहले एन आएगा फिर एम आएगा। ओके, उसकी रिलेशन मान लो किसी के साथ दे दी है, पी क्यू होता है हमारा फॉरवर्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू पी, सेम अपोजिट हो जाएगा आपको। ओके, ये था क्या आपका केस नंबर 2। आए हम बात करते हैं अब केस नंबर 3 की, वो है वोवल कॉन्सोनेंट रिलेशन। वोवल कॉन्सोनेंट रिलेशन, इसमें क्या दिया होता है कि आपको जो है वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स दिए होते हैं बीच में, मतलब आपको बीच में वोवल्स भी होंगे और कॉन्सोनेंट्स भी होंगे। तो वोवल्स पता है कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। देखो ए ई आई ओ यू, देखो यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है ए, यहाँ पे इसका फर्स्ट क्या है ई, यहाँ पे क्या है आई, यहाँ पे क्या है ओ। ठीक, अब आपको जो चीज़ नोट करनी है, अगर मान लो यहाँ पे ओ आर एस ना होता तो आपको देखना है फर्स्ट लेटर क्या है वॉवल, सेकंड भी क्या है वॉवल, थर्ड भी क्या है वॉवल। तो वॉवल की जो सीरीज चल रही होगी वही इसका मतलब नेक्स्ट आएगा, ए ई आई ओ के उसके बाद क्या आता ओ, तो इसलिए यहाँ पे क्या है ओ। ठीक है, अब देखो बीच में क्या है, दूसरे लेटर जो बचे हैं ए, फर्स्ट वाले में देखो ए टी एल है तो टी एल क्या है कॉन्सोनेंट से, तो ये चीज़ भी आपको देखनी है। तो वॉवल कॉन्सोनेंट रिलेशन पे भी आपको एक केस बनता है। केस नंबर जो 4th है आपके पास, स्किप लेटर रिलेशन। स्किप लेटर रिलेशन का मतलब क्या होता है कि आपको क्या किया हुआ है कि बीच में से कुछ लेटर्स स्किप कर दिए होते हैं। ठीक, जैसे देखो यहाँ पे ए बी सी चल रहा है, फर्स्ट आ गया सेकंड आ गया थर्ड आ गया,
फिर उसके बाद क्या आ गया, एफ जी एच, मतलब सी के बाद कितने छोड़ दिए, डी और ई, दो लेटर आपने क्या कर दिए, मिस कर दिए, जी एच। तो यहाँ पे क्या है, आई जे के अगर मान लो ये यहाँ पे नहीं होता तो इसका मतलब क्या आता, दो लेटर आपने छोड़ने हैं के बाद, के बाद कितने भी छोड़ोगे, जैसे ए बी सी के बाद दो लेटर छोड़े गए हैं, यहाँ पे भी क्या, तो के बाद एल एम छोड़ दो तो क्या आ जाएगा, एन, बिल्कुल, तो आ गया ना यहाँ पे एन ओ बी, तो इसका मतलब दो लेटर आपने बीच में छोड़ दिए। तो ये जो होता है, ये होता है स्किप लेटर रिलेशन। देखो अभी तो मैं समझा रहा हूँ, इस पे एग्जांपल्स भी करेंगे, डोंट वर्क, आगे आपको समझ आएगा। अगर किसी को समझ नहीं आता कभी तो वो क्या करें, किसी पे डाउट आता है प्लीज़ कमेंट करें कमेंट सेक्शन में, वरना व्हाट्सअप जो ग्रुप है हमारे जेके एसएसबी के रिलेटेड आप वहाँ पे पोस्ट कर दें, ओके। या तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप ग्रुप में है वही मेरा नंबर है, आप उस पर मैसेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट केस जो है वो है जम्बल्ड लेटर रिलेशंस। क्या केस है, जम्बल्ड लेटर रिलेशन, मतलब इसमें यह है कि कोई भी लेटर आ सकता है बट आपको रिलेशन निकालनी है। देखो यहाँ पे एल एन है, मतलब ये बैकवर्ड गया है, यहाँ पे ई था, यहाँ पे एल है, ये भी बैकवर्ड, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, लेकिन यहाँ पे वी है। अब ये चीज़ें आपको क्या करनी है, देखनी है, जैसे फर्स्ट टर्म जो रिवर्स होगी प्रोड्यूस सेकंड टर्म, ओके। मतलब यहाँ पे एल पहले था, यहाँ पे एल लास्ट पे है, देख लो ऐसे ये चीज़ें करनी है आपको। इन लेटर्स को देखो, यहाँ पे लव था, लव एल ओ वी ई लव है, तो यहाँ पे क्या कर दिया है, ई वो एल, मतलब जो इसका लास्ट है वो इसका फर्स्ट है, जो इसका सेकंड लास्ट है वो इसका सेकंड है, ऐसे कर दिया होगा। जैसे यहाँ पे लेन में देख लो आप, लेन में क्या है, एल है, तो एल को आपको क्या करना है, यहाँ का फर्स्ट उसका आगे वाले का लास्ट बना दो, इसका ये सेकंड बना दो, ऐसे करके आपको क्या करना है, जम्बल्ड कर दिया हुआ है, कुछ नहीं किया हुआ और, ओके। उसके बाद ये है शॉर्टकट अप्रोच। देखो शॉर्टकट अप्रोच तभी निकल सकती है जब आपको नंबर्स की पोजीशन याद हो। तो नंबर की पोजीशन याद करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ए से लेके एम तक लिखने हैं नंबर, ठीक है, ए से एम तक लिखो नंबर, तो उसके बाद उनकी क्या पोजीशन भी लिख दो। फिर जो एन से स्टार्ट होंगे ना, वो अपोजिट स्टार्ट करते हैं, एन ओ ओ पी क्यू आर एस टी, मतलब ए के अपोजिट क्या आता है, जेड। तो जो जैसे अभी केस था, तो इसमें आपको ए के अपोजिट क्या आ जाता है, एक ऐसे भी केस बन सकता है, तो यहाँ पे जेड आ जाएगा। तो बी के अपोजिट क्या आएगा, वाई आएगा। तो जब यहाँ से उल्टा आप लिखोगे तो ये आपको समझ आ जाएगा, ओके। अब इसके बाद है नंबर एनालॉजी। तो नंबर एनालॉजी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम क्या करते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं, लेटर एनालॉजी पे क्वेश्चन करते हैं हम। सो लेट्स स्टार्ट, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं हम, सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन लेंगे, सिंपल क्वेश्चन से हम चलेंगे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के लिए। अगर आपके पास क्वेश्चन क्या है, देखो अब मैं यहीं पे सॉल्व करूंगा बिकॉज यहाँ पे नंबरिंग लिखी हुई है। ए की रिलेशन है एक्स के साथ, ओके, फिर बी की रिलेशन किसके साथ होगी ये निकालनी है आपको, ठीक है। अब आपको जो दिए हुए हैं आंसर डब्ल्यू वी वाई एंड जेड, ठीक है। अब इसमें आपने क्या देखना है, देखो जैसे आपने फर्स्ट वाला लेना केस, देखो ए की रिलेशन एक्स के साथ है, अब आपने देखना है कि नंबर की पोजीशन कितने पे है, जो फर्स्ट नंबर है ए है, उसके बाद एक्स देखना है। तो फर्स्ट की अगर वन है तो एक्स की कितनी है, 24। तो आपने क्या करना है, वन से 24 नंबर, उस नंबर से जो फर्स्ट नंबर होगा उससे आगे 24 चलना था, तो तब जाके 24 पे पहुंच के आपको एक्स आया। सेम ऐसे ही बी पे भी आप, अब ये रिलेशन सेम हो गया ऐसे ही, तो आप बी पे से कितना चलोगे, 24, तो ये बी है, तो यहां से 24 चले थे तो किस पे आया था हमारा,
एक्स पे, तो यहाँ से 24 चलोगे बी से तो बी आ जाएगा 1 2 3, ऐसे ही आपने काउंट करना है। तो यहाँ से 24 चलोगे तो 24 पोजीशन कौन सी आ जाएगी यहाँ पे, जैसे वाई आ जाएगी। तो आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर वाई। तो इस क्वेश्चन में आपको आंसर क्या हो जाएगा, वाई। ओके, सो आफ्टर दैट आई विल सॉल्व अनदर क्वेश्चन। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, सबसे पहले आपको दिया हुआ क्या, ई। अब ई की रिलेशन जो है वी के साथ है, और हमें निकालनी है आई की रिलेशन किसके साथ होगी। अब आपने वही सेम पोजीशन देखनी है यहाँ पे, और एक चीज़ और याद रखनी है, ये कौन सी एग्जांपल बन रही है आपको, फर्स्ट केस की, जो क्या है, फॉरवर्ड केस। ठीक है, जो इससे पहले था वो फर्स्ट केस नहीं था। तो देखो ई से वी की तरफ चल रहे हैं, तो मतलब फॉरवर्ड चल रहे हैं। ठीक है, उसमें भी आप फॉरवर्ड ही चल रहे थे, आई थिंक फॉरवर्ड वाला ही क्वेश्चन था मैंने करवाया जो, तो वो फॉरवर्ड वाला ही है, उसमें भी फॉरवर्ड ही चल रहे थे। तो इसमें भी फॉरवर्ड ही चल रहे हैं, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब ए से बी की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर बी से ए की तरफ आ रहे होते तो इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन थी। अब देखो ई से वी की तरफ आए, तो ई से वी की तरफ जब आओगे तो देखो कितने लेटर हैं, तो ई से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब 18 लेटर के बाद आया आपको V। इसका मतलब आपको पता चल गया कि 18 है। अब आपको I से आगे 18 चलना है। ठीक है, तो सेम I से भी आगे 18 चलोगे आप, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18। सारी ये जो केस है फॉरवर्ड वाला केस नहीं आएगा यहाँ पे। देखो ई आपने जब लेटर लिखने स्टार्ट कर दोगे नंबर सीरीज, तो ई के देखो आप ए से एम तक लिखो पहले, फिर आपने क्या करना है एम के अपोजिट में लिखो एन, एन से जेड की तरफ, जैसे यहाँ से लिखो ए से एम तक। ठीक है, यहाँ से लिखो एन से लेके जेड तक। अब देखो आपको क्लियरली दिख रहा है, अगर यहाँ पे एम होता तो एम के अपोजिट था एन, इसलिए ई आता इधर है। सेम ऐसे ही देखो ई के अपोजिट क्या आएगा, ई के अपोजिट क्या आ जाएगा, ई के अपोजिट जो आएगा वो वी आता है, तो आई के अपोजिट क्या आता है। तो ये चीज आपको यहां से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर देखो ई के अपोजिट सबसे पहले, अब देखो केस कौन सा बनता है, केस को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो ई के अपोजिट देख लो सामने, पहले एबीसी जब लिखोगे तो ई के अपोजिट देख लो, अगर वी है तो इसका मतलब अपोजिट कौन सा है, अपोजिट वाला है। तो आई के अपोजिट कौन सा है, देखो आई के सामने कौन सा आता है, आई के सामने जो आता है वो क्या आता है, आर आता है। ठीक है, तो इसमें काउंटिंग की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर। तो ये क्वेश्चन इजी था, देखो वहाँ पे एक